वैल्यूएशन बीटीसी के बोर्ड और चेयरमैन मिस्टर महिंद्रा कुमार पटेल ने डॉक्टर उस्मान जफर को दुबई में एक मुनफरिद ब्लॉकचेन कंपनी का हेड ऑफिस बनाने के लिए और इसके मुनफरिद कदर के साथ दुनिया के 40 ममालिक में तोसी के लिए सेंटर बोर्ड का मशीर मुकर्रर किया। डॉक्टर उस्मान जफर वर्ल्ड बिजनेस हब के चेयरमैन हैं जो पीपीपी पर मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ बड़े सौदेबाजी करने में महारत हासिल करते हैं। डॉक्टर जफर मुतहदा अरब अमारात में कामयाब बिजनेस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव हैं जो कामयाब ट्रैक रखते हैं पेचीदा प्रोग्रामों और कारोबारी तब्दीलियों के इकदाम को मुकम्मल P&L जिम्मेदारी के साथ नाफिज करके नतीजा खेज पेशावराना तंजीमों की तामीर और तब्दीली में रिकॉर्ड महारत रखते हैं। डॉक्टर जफर हुकूमत के साथ साथ निजी मलकियत वाले दोनों कारोबारी अदारों के काबिल एतमाद मशीर हैं। वो बरतानिया, यूरोप, कैनेडा और अमेरिका की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मीना और एशिया PEC रेंजर्स में अपनी मार्केट की रसाई को बढ़ाने के लिए तआवुन कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर उस्मान जफर ने RBC के इकोसिस्टम की वजाहत करते हुए कहा कि RBC डिजिटल अदायगियों के साथ साथ स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट को लागू करके स्मार्ट शहरियों में इनकलाब लाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया यूनिफाइड डिजिटल इकोनॉमी की तरफ गामजन है और RBC का मकसद नौजवान नस्ल को तालीम देने का मकसद है ताकि ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को नाफिज किया जा सके और जदीद टेक्नोलॉजी के हल के लिए स्मॉल एंड मीडियम कारोबारी अदारों की मदद की जा सके। RBC के पास अपनी एक क्रिएटिव करेंसी होगी जो हकाम के जरिए दरकार तमाम कानूनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए शुरू की जाएगी। हम बैन अल-कौमी कंपनियों और शराकतदारों के साथ हमारे साथ हाथ जोड़ने के मुंतजिर होंगे। या तो हमें ये पसंद है या नहीं, हम डिजिटल करेंसी की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो पूरी दुनिया में मुतहरिक है। दुबई में RBC का हेडक्वार्टर कायम करना हमारे लिए एजाज की बात है क्योंकि दुबई ब्लॉकचेन के तमाम मनसूबों में मिसाल के साथ आगे चल रहा है। हम मुतहद अरब अमारात में तआवुन और कारोबार में आसानी से खुश हैं। डॉक्टर जफर ने कहा, हम स्मार्ट शहरियों के शोबों में नई जिदत लाने के लिए RBC जैसी कंपनियों को लाकर मुतहद अरब अमारात की माशियत की हमायत करेंगे।